चलिए तो सभी का एक बार स्वागत है चलिए तो हम लोग आज बात करने वाले अपने करंट अफेयर्स की जो हमारे आज मतलब सात नहीं छह अक्टूबर के आज हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर सबकी बात करने हेलो 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 जिंदगी जो है वो समस्याओं से भरी हुई है कोई बात नहीं चलिए तो एक बार मुझे बता देंगे अभी ऑडियो वीडियो आ रही है कुसागर रोशनी दिनेश सुष्मिता है ना जब भी सभी लोग जितने भी है ऑडियो वीडियो मुझे एक बार बता देंगे तो आज हम लोग बात करने वाले अपने 6 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स की और शुरू में थोड़ा सा साउंड इशू हुआ है लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी मेरे को तो वो मुझे बता दीजिए सब लोग कमेंट करके कि साउंड सब कुछ बढ़िया आ रहा है क्योंकि आज है हमारा 6 अक्टूबर और दो दिन बचे हुए हैं आपके स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बैच के एडमिशन समाप्त होने में तो अभी तक अगर आपने हेलो चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा सा माइक का वायर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इशू कर गया है और मुझे वापस से एक लेना पड़ेगा नया माइक का वायर यही एक इसका सलूशन है तो आज ही मैं ले लूँगा ठीक है वैसे मैंने मंगाया था वो भी इशू कर गया है तो ये टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत करती है चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे छः अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड सेलेब्रल पैलेसी डे होता है और इस डे का जो थीम है वो है टुगेदर स्ट्रांग Together. ठीक है तो छे अक्टूबर को हमारा टुगेदर स्ट्रेंथ नाम का ये जो थीम है वो रखा गया है और छे अक्टूबर को होता है तो सबसे पहले कल हमने जो आपको होमवर्क दिया था आज की क्लास से उस पर हमने देखे क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या क्या जवाब हमको देने थे तो सबसे पहले नोबेल प्राइज लगातार अनाउंस हो रहा है तो कल केमिस्ट्री का के अनाउंस हुआ था हमने यहां पर मोंगी जी बवेंडी को लुइस एब्रस एंड एलेक्सी इकीमो इन तीनों को हमारे अवार्ड दिया गया था नोबेल का केमिस्ट्री में अनाउंस हुआ है दिसंबर में दिया जाएगा आज लिटरेचर का हम लोग डिस्कस करेंगे फिर उसके कल हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था बसोली पसनीना को जी टैग दिया गया ये कौन से स्टेट का है आपको जम्मू कश्मीर कमेंट करना था उसके अंत से हमने यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि अभी हमारे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमने किस देश के साथ टाई अप किया हुआ है तो वो जापान है और नेक्स्ट है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी की जो बाई मंथली बैठक है ये कहां पर हो रही है तो ये मुंबई में हो रही है तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर देखा हाँ सब कुछ अभी ठीक है लेकिन सोचते चलता ही रहे ये पूरा क्लास तो ये हमारे देख सकते हैं कि ये हमारे जवाब थे जो हमको देने थे और बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए जो लोग नहीं कमेंट कर रहे होमवर्क के जवाब वो प्लीज कमेंट किया करें तो आज हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आज का जो हमारा जो करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग सिक्किम में जो क्लाउड बस्ट हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे उज्ज्वला स्कीम क्या थी उसके ऊपर बात करेंगे स्वलंबन सेमिनार 2.0 क्या था वो भी देखेंगे नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको अनाउंस किया गया है क्वांटम टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने लॉन्च है सातवां कंट्री बनाया वो भी देखने वाले एमपी में वुमेन्स रिजर्वेशन को 35 परसेंट कर दिया गया है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एशिया पेसिफिक जो टूरिज्म मार्ट है उसकी बारे में भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ हमारे जो टाटा लाइव लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल है जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो भी डिस्कस करने वाले है तो ये आज के हमारे लेसन आज का जो करंट अफेयर्स है वो ये सारी चीजों से है जो कि कल हमारे आ, कल जो हमारे जितने भी दिन भर में इवेंट हुए उन सबसे संबंधित है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग सिक्किम का ये जो क्लाउड बस्ट हुआ है तो यहां पर हमने सबसे पहले सिक्किम के क्लाउड क्लाउड बस जो कि हमारे परसों के दिन आपने को मैंने डिस्कस भी किया था यहाँ पे तिस्ता रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो तिस्ता रिवर का जो ओरिजिन है वो वहीं से होता है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और रिंगित रिवर ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और ये तिस्ता रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है दो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हुए और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है केवल एक सही है दो सही है दोनों सही है दोनों में से कोई सही नहीं है तो ये क्वेश्चन पे आपको देखने को मिल रहा क्या चाहिए तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारा ये जो न्यूज है हमारे यहां पर सिक्किम में अचानक से बादल फटा और सैकड़ों लोग जिसमें हमारे सेना के भी बीस से ज्यादा जवान जो है वो लापता है अभी हालांकि एक सेना का जवान जो है वो वापस आ गया है मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है लेकिन वापस मिल है वो यहां पर देखेंगे अभी तक कम से कम सात लोग तो इसमें डेथ कर गए हैं लेकिन कई सौ लोग अभी हमारे लापता है जिसमें 22 आर्मी के जवान हैं तो एक बहुत दुखद न्यूज हुई है सिक्किम में अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से हमारे तिस्ता नदी से जो हमारी झील कनेक्टेड है जिसका नाम है लोहनक झील तो लोहनक झील में अचानक से क्लाउड बस्ट हुआ और पूरा यहाँ पे आप देखेंगे पूरा जो पानी से ये हमारा भर गया पूरा अचानक से बाढ़ आ गई सड़के जो है वो पूरी की तरीके से बह गई है तो आप यहां पर याद रखना है नॉर्थ सिक्किम के लोहनक लेक में ये जो रिवर से कनेक्टेड है उसमें अचानक से बाढ़ आई है क्लाउड बस्ट हो गया है बादल फटा है और ये बादल फटने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया सिक्किम में कई सौ लोग लापता है बाईस सेना के जवान है लापता अभी तक और हमारे कम से कम सात लोगों की अभी ऑफिशियल डेथ की गई है लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है अभी अगर हम यहां पर बात करते हैं तिस्ता रिवर की तो तिस्ता रिवर जो है ये हमारे

तो हमारे जो तस्ता रिवर है ये बांग्लादेश वेस्ट बंगाल सिक्किम से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और ये हमारे ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी मतलब ब्रह्मपुत्रा में जाकर के मिलती है अब बात करते हैं रिंगिट रिवर की तो रिंगिट रिवर हमारे सिक्किम से ओरिजिनेट होती है इसका जो ओरिजिन है ये सिक्किम से होता है और ये सिक्किम की सबसे बड़ी रिवर है और फिर ये हमारे तिस्ता रिवर में जाकर के मिल जाती है तो आपको दो तीन बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारे सबसे पहले जो तिस्ता रिवर है ये हमारे पनहारी ग्लेशियर से निकलती है और ये हमारे ब्रह्मपुत्र का सेम ग्लेशियर नहीं है है ना जो ब्रह्मपुत्र का ग्लेशियर उसका नाम है हमारे कौन सा अंगसी ग्लेशियर जो कि माउंट कैलाश में है चलिए इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए हमारे जो बोल सकते हैं ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है है ना जिसको हम यहाँ पे सांगपो रिवर बोल रहे हैं तिब्बत में जैसे ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में आती है इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलने लगते हैं और फिर जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है क्या हो जाता है जमुना तो तिब्बत में इसको सांगपो रिवर बोल रहे हैं फिर जैसे ये इंडिया में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया और जब ये बांग्लादेश में जा रही है तो इसको हम लोग बोल रहे जमुना जमुना रिवर बोलते हैं और जब ये गंगा रिवर से मिल जाती है गंगा को हम लोग बोलते पद्मा गंगा को बोलते पद्मा और जब ये पद्मा रिवर और जमुना रिवर आपस में बांग्लादेश में मिल जाती है तो इनको मेघना के नाम से जाना जाता है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं तिस्ता रिवर की जहां पर ये आपको देखने को मिला तो तिस्ता रिवर ये काठमांडू के पास में ये हमारा पनहारी ग्लेशियर है जहां से यह तिस्ता रिवर निकल रही है और फिर ये सिक्किम से होते हुए हमारे कहां पर बांग्लादेश में जाकर के हमारी ये मेघना रिवर में जाकर के मिल रही है और फिर बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में जाकर ड्रेनेज हो जा रही है तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है तो क्वेश्चन यहां पर जो था वो आप आप लोग पिक कर सकते हैं कि तिस्ता रिवर का उद्गम वही है जो हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर का है और ये सिक्किम से बहती है तो बोलेंगे सर ये बिल्कुल गलत है और दूसरा क्वेश्चन है रिंगिट रिवर जो कि हमारे तिस्ता की ट्रिब्यूटरी है ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है तो सर ये बिल्कुल सही है तो यहां पे सही जवाब क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर हमारा दो यहां पर दो नंबर जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है उज्ज्वला स्कीम की तो उज्ज्वला स्कीम कल चर्चा में फिर से एक बार आ गई तो उज्ज्वला स्कीम में अभी जो सब्सिडी मिल रही थी मतलब जो आम लोगों को सिलेंडर के रेट मिल रहे थे उससे दो रुपए उनको कम देना पड़ रहा था लेकिन अब इसमें और ज्यादा सहूलियत दी गई है और हमारा जो है वो कम किया गया सिलेंडर का रेट उतना कितना हो गया अब यह तीन हो गया साढ़े तीन या साढ़े <coughs> तो दो सौ रुपए भी सब्सिडी मिल रही थी हर एक निफलिंग पे अब ये सब्सिडी मिलेगी उनको कितनी याद रखिएगा ये सब्सिडी मिलने वाली है तो दो सौ से बढ़कर के ये सब्सिडी कितनी हो गई? तीन हो गई गई है उज्ज्वल स्कीम में ये लाभार्थ सभी को मिलने वाला है जो भी इस स्कीम में एनरोल्ड है अब बात आती है सर ये तो सौ रुपए फिर से बढ़ गया मतलब इनको दो सौ जो सब्सिडी मिल रही थी आम लोगों से वो सौ रुपए और ज्यादा मतलब तीन सौ रुपए उनको कम देने पड़ेंगे तो प्रधानमंत्री स्कीम है क्या चीज़ तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने मई सन 2016 को शुरू किया था कब एक मई सन 2016 को उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत की गई थी इसे स्कीम का मुख्य उद्देश्य है जो गरीब महिलाएं हैं उनको फ्री में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराना है ना इसका 2.0 मतलब उज्ज्वला स्कीम में पहली स्कीम जो है वो हमारे 2021 में खत्म हो गई उजुलाई स्कीम में खत्म हो गई, फिर इसका किया गया। तो इस उजुलाई स्कीम 2021 के लिए तो आपसे पूछेगा उज्ज्वला स्कीम को अभी कितने सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो तीन सालों के लिए उज्ज्वला स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया देखिए हाल में तेरह सितंबर को डिसीजन लिया गया है कि हमें 75 लाख और एलपीजी सिलेंडर इस साल तीन सालों में रिलीज करने हैं और उज्ज्वला स्कीम को हम 2021 से और आगे तीन साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं टोटल जो हमारे उज्ज्वला स्कीम में अब पैसा हम खर्च करने वाले इन तीन सालों में वो 1650 करोड़ रुपए 1650 करोड़ रुपए हम यहां पे खर्च करने वाले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो सब्सिडराइज रेट पर हमारे कनेक्शन मिल रहा है लोगों को वो चौदह किलो का जो सिंगल

एग्जाम में पूछी जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्वालंबन स्कीम स्वालंबन स्कीम का जो के बारे में दो स्टेटमेंट लिखे हैं इसकी पहली जो हमारी सेमिनार है वह अट्ठारह से उन्नीस जुलाई के बीच में हुआ था स्वालंबन स्वालंबन स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है रोडवेम एम टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी इन कोलोबरेशन एंड कोऑर्डिनेट एंड पार्टनरशिप इसका मुख्य उद्देश्य सहयोग समन्वय साझेदारी की नई प्रौद्योगिकों का विकास करना है केवल एक सही है दो सही है दोनों सही है दोनों में से से कोई सही नहीं है तो जल्दी से आपको क्या लग रहा है वो मुझे बता दे चलिए तो इसको बताने के लिए सर नॉलेज होना जरूरी है। तो स्वालंबन है क्या चीज तो स्वालंबन एक हमारा सेमिनार है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे ऑर्गेनाइज कराया जाता है जिसमें हम स्वदेशी चीजें इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी अपने इक्विपमेंट बनाने के लिए यह सेमिनार को हमारे बनाया जाता है मतलब ये जो सेमिनार है इसमें किस तरीके से हम स्वदेशी चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए हम स्वदेशी गोले बारूद मिसाइल टैंक जितनी भी चीजें हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट सबको स्वदेशी बनाने के लिए हम ये सेमिनार का आयोजन करते हैं तो डिफेंस ने हमारे इंडिजीनियस पीपल्स को बनाने के लिए ये सेमिनार का आयोजन किया है और ये देखिए राजनाथ सिंह जी यहाँ पर इस सेमिनार को हमारे बना रहे वो कर रहे शुरू कर रहे हैं याद रखिएगा हमारे यहां पर 98 हार्डवेयर इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम सेंसर वीपन एमेशन है ना इन सब की लिस्ट बनाई गई कि हम ये ये चीजें लेकर के आने वाले हैं ठीक है और हम 509 आइटम्स को हम नए 509 आइटम्स जो है वो इस सेमिनार में बनाने वाले हैं जिसमें हम ये 98 हार्डवेयर सिस्टम लगाएंगे मतलब 98 जो है टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने वाले हैं जैसे कि सेंसिंग सिस्टम हो गया वीपन्स हो गए और ये 509 आइटम्स हमारे अलग-अलग होंगे जैसे कि मिसाइल हो गया टैंक हो गया वो हम यहां पे खुद बनाने वाले ये स्वावलंबी स्वांबन जो सेमिनार था इसका मुख्य उद्देश्य था अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो ये देखिए हमारे दूसरा डे था पांच अक्टूबर को स्वांबन सेमिनार 2023 का अब इसका इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो अब मैं आपको एक डेटा बताता हूं ये डेटा जो है सिप्री का है सिप्री जो कि हमारे एक डेटा में ये बता रही है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता है इंपोर्ट करता है सॉरी इंपोर्ट कर रहा है मतलब विदेशों से मंगा रहा है पूरे वर्ल्ड में जितने भी आम इम्पोर्ट हो रहे है, उसका सिर्फ 11 परसेंट जो कि पूरे जितने भी आप कंट्रीज देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा है मतलब हमारा बहुत सारा जो पैसा है अमेरिकन डॉलर में हम सिर्फ हथियार खरीदने में वेस्ट कर रहे हैं मतलब आप ये सबसे ज्यादा नहीं बोलो कि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो सिर्फ अपने डिफेंस को मजबूत करने में विदेशों को दे दे रहे हैं बाकी के देश भी हैं लेकिन हमारा जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है इसीलिए जरूरत पड़ रही है कि हमको अपने खुद के अपने इक्विपमेंट बनाना पड़े खुद के इक्विपमेंट बनाने के लिए ये स्वालंबन हमारा जो सेमिनार है इसको बनाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारे डिफेंस सिस्टम का स्वदेशीकरण और ये आपके मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज सेल्फ रिलायंस हाउ कैन स्वलंबन प्रमोट इंडिजिनेशन एंड सेल्फ रिलायंस तो आपको ये लिखने के लिए डेटा होना चाहिए कि क्यों हमें जरूरत पड़ गई डिफेंस सिस्टम को इन, हमारे स्वदेशीकरण करने की खुद आत्मनिर्भर बनने की तो आपको पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए इसीलिए मैं आपको ये डेटा जो है बताता रहता हूँ कि भाई ये हमारी जो सिपरी की रिपोर्ट है उसमें कितना परसेंट इंडिया पूरे एक्सपोर्ट जितने भी हमारे

डिफेंस है उसको और बेहतरीन बनाना लेकिन स्वदेशीकरण करके चलिए तो स्वदेश स्वालंबन की बात अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपना कौन सा हमारा क्वेश्चन आता है <coughs> हाल में नोबेल प्राइजेस दिए जा रहे अनाउंस हो रहे दिए नहीं जा रहे अभी भी अनाउंस हो रहा है अब यहां पे पूछा जा रहा है कि जो नोबेल प्राइज लिटरेचर का है ये हमारे किसको दिया जा रहा है जॉन फॉसे है सलमान रुस्ती है बॉब डिलन है या हमारे ईसी यूरो है तो देखिए हमने अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे फिजियोलॉजी ये तीनों के हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है जिन्होंने नहीं देखा वो दो दिन के करंट अफेयर्स वाले पीडीएफ हमारे देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे हम डालते हैं तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो है जॉन फासे जॉन फासे जो है यहाँ पर हमारे लिटरेचर का नोबेल प्राइज कल इन्होंने जीता हुआ है ये नॉर्वे के सबसे पहले कौन से कंट्री के नॉर्वे के और सिक्सटी फोर के कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और इनको दिया गया है हमारे इस बार के नोबेल प्राइज के लिए

जिसको इनमें किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं सोसाइड की तरफ जा रहे हैं वो सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं है ना अभी तक नोबेल प्राइज जब से नोबेल प्राइज दिया जा रहा है 120 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर के क्षेत्र में जिसमें से 17 महिलाएं एक एक पॉइंट आपको याद रखना है जो भी न्यूज में आ रहा है वो आपके एग्जाम का स्टेटमेंट बन सकता है तो नोबेल प्राइज अभी तक कितने लोगों को दिया गया है 120 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है कितनी लिटरेचर का और उसमें कितनी महिलाएं सत्रह उसमें से महिलाएं हैं इस बार लिटरेचर का किसको मिला हुआ है जॉन फॉसे को मिला हुआ है किस लिए इन्होंने सोसाइड इश्यूज को लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बुक में लिखा है जैसे रेड एंड ब्लैक ऑटम्स ड्रीम ये बुक्स इनके जो सोशल हमारे जिस तरीके से मुद्दे हैं बहुत सेंसिटिव मुद्दे उनको ये लिखते हैं और जब सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर ये लिखी जाती हैं या तो वो बहुत क्रिटिसाइज होती हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा उनको फेम मिलता है तो भैया यहाँ पे रिस्क है और जो रिस्क उठाता है वही आगे बढ़ पाता है समझ रहे हो कि नहीं चलिए तो आई होप आप लोगों को यह बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा जॉन फॉसे का नाम आपको याद रखना है, Next question आपके सामने है से वो कौन सा कंट्री है जिसने quantum technology है जिसने को अपनाया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया फिनलैंड या भारत सेवेंथ कंट्री जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को अपने यहां पर अपना रहा है और यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है <clears throat> तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो है हमारा इंडिया इंडिया ने यहां पर थर्ड इंडिया क्वांटम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस को आयोजित कराया जिसको एसो कैम के द्वारा आयोजित कराया गया है है ना इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे जितेंद्र सिंह थे जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को देखते हैं है ना और गेस्ट ऑफ ऑनर थे प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो कि हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो ये जो हमारे इंडियन क्वांटम टेक्नोलॉजी है भारत सातवां ऐसा देश बन गया है जिसने ये टेक्नोलॉजी को अपने यहां पर क्रियान्वित कर दिया है मतलब कर दिया है ये जो हमारे कौन कौन से देश हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया फिनलैंड फ्रांस कनाडा और चाइना तो बड़े बड़े देश है ऑस्ट्रिया है यहां पर याद रखिएगा नॉट ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रिया फिनलैंड फ्रांस कनाडा चाइना और अब इंडिया आपको देखना है अब क्वांटम टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये हमारे किस तरीके से काम करने वाली है तो देखते हैं ये हमारे 19 अप्रैल का ये मैं आपको डेटा निकाल के दे रहा हूं क्योंकि यहीं पर क्वांटम मिशन का घोषणा की गई थी जिसको हमारे कल से क्रियान्वित किया जा रहा है तो, तो अगर हम इस नेशनल क्वांटम मिशन की बात करेंगे तो इसके लिए जो फंड डेलोगेशन है याद रखना आपको एक एक डेटा जब भी अभी करंट अफेयर में बात आएगी तो हमको पुरानी चीजें भी निकाल के रखनी पड़ेगी सबसे पहले हम यहां पर छह हजार लगभग करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है छह हजार तीन दशमलव छह पांच करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ये हमारे कब तक 2023 से लेकर के के 2030 2030 तक तक की की स्कीम है 2023 से लेकर लगभग सात सालों तक का ये हमारा मिशन है अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पर करेंगे तो एटॉमिक सिस्टम एंड एटोमिक क्लॉक्स का प्रिसाइजिंग टाइमिंग लगा करके हम इसका इस्तेमाल ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन में है ना संचार और हम लोग जो नेविगेशन होता है ना उसमें इसका इस्तेमाल करने वाले तो कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन में इस क्वांटम टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करने वाले सपोर्ट टू डिजाइन एंड सिंथेसिस क्वांटम मटेरियल सच कंडक्टर नोबेल सुपर कंडक्टर है ना ये सारी चीजों का इस्तेमाल इस क्वांटम टेक्नोलॉजी में किया जाएगा जिसमें एटॉमिक क्लॉक्स और हमारे जो एटॉमिक सिस्टम है वो डेवलप होगा जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन और नेविगेशन में होगा जो हम लोग जीपीएस बोलते हैं ना वो जीपीएस कोई सिस्टम नहीं है वो जीपीएस एक कंपनी का नाम है जो कि अमेरिका की है अब धीरे धीरे हम लोग अपने खुद के कम्युनिकेशन डिवाइसेज और खुद के जीपीएस सिस्टम दशमलव छह पांच करोड़ का है दो हजार तेईस से दो हजार तीस तक सात सालों का ये मिशन है और ये हमारे किसके द्वारा ये हमारे जैसे कि आप देख चुके हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये हमारा क्रियान्वित किया जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा इकोनॉमिक्स की बात कर लेते अगला क्वेश्चन है।, है, है, है देखो अभी सही चल रहा है हमारा माइक पता नहीं क्या गड़बड़ी हो जा रही है इसमें किस देश ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर हस्ताक्षर किए हमारे इंडिया के साथ है कतर है फिलीपींस है उमान है तो दोस्तों हमने अभी यूए के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपने मजबूत करने के लिए ताकि हमारे देश में अगर कोई यूए जा रहा है है ना कोई घूमने जा रहा है या कोई बिजनेस करने जा रहा है कोई नौकरी करने जा रहा है तो उसको अपने यहाँ के जो डेबिट कार्ड यहां का जो यूपीआई वहां पर भी काम करे इसको लेकर के इंडिया ने टाइप किया है हमारे यहां पर ये देखिए मीटिंग ऑफ इंडिया एंड इलेवेंट टास्क जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के मीटिंग हुई और उसमें हमने हमारे जो एन है एन हमारे इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने हमारे ए आई एहतियात पेमेंट के साथ मिलकर के टाइप किया और इस टाइपअप का ये रिजल्ट आया कि यूआई हमारे देश का जो डोमेस्टिक कार्ड है जिसको आप लोग रूपे कार्ड बोलते हो रूपे कार्ड आप लोग जानते हो ना रूपे एक हमारा ब्रांड है जैसे मास्टर कार्ड है वीज़ा सब हमारे कैसे ये हमारे इंटरनेशनल ब्रांड है तो रूपे जो ब्रांड है उसको हमारे क्या दे दिया उसको स्वीकृति दे दिए यूए में हमारे कहीं पर भी आप इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो हमारे रुपए कार्ड के इस्तेमाल को लेकर के ये हमारे कोलोब्रेशन हुआ कि सभी हमारे इंडिया के जो रुपए कार्ड है ये हमारे यूए में किसी भी सिस्टम पर एक्सेप्टेड होंगे और ये हमारे रुपए कार्ड्स में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड की फैसिलिटीज आती हैं जो आप लोगों के पास भी कोई ना कोई हो गई दोस्तों अगर हम इंडिया के जब से ये हमारे यूपीआई आया है या जब से हम लोग डिजिटलाइज हुए हमारे जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पांच सालों में प्लीज पॉइंट भी नोटेड हमारा जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो बढ़ करके तीन परसेंट बढ़ गया थ्री सिक्सटी परसेंट इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन में तो पांच सालों में हमारे इंडिया आ, हमारे इंडिया का जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो कितना बड़ा 367%, मतलब 300 गुने से भी ज्यादा हमारे पे वृद्धि देखने को मिल रही है अपने आप में एक बहुत बड़ा ये आ, इंक, आप इंक्रीमेंट देख पा रहे होंगे तो बहुत ज्यादा ये हमारे यूएई के साथ रुपए का जो कार्ड का जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम इंडिया और यूएई के रिलेशन के ऊपर बात करें लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीसीआई जिसने यू के हमारे एहतियात बैंक के साथ टाइप किया है इसकी स्थापना रिजर्व बैंक के द्वारा की गई थी ये 2008 में स्थापित किया गया था ये हमारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यहाँ पर सेक्शन 8 में सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में 2013 में देखेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको स्थापित किया गया था 2008 में और ये आरबीआई का ही एक सब्सिडी है मतलब आरबीआई के अंतर्गत ही ये काम करता है इसका काम क्या है तो हमारे यहाँ के जितने भी जो भी हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे कि रुपए कार्ड हो गया यूपीआई हो गया भारत बिल पेमेंट हो गया है ना भारत क्यू कोड हो गया इन सभी का ये रेगुलेटिंग करता है इन सभी को यह रेगुलेट करता है एनपीसीआई तो यूपीआई का रेगुलेटर कौन है एनपीसीआई ठीक है अगर इनमें कोई दिक्कत या किस तरीके से काम करते हैं ये सभी डिसीजन लेने का अधिकार जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के पास में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे इंडिया और यूएई के बीच के संबंधों की तो इंडिया और यूएई ने अपने बीच में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई थी ये कब बनाई गई थी तो ये 2013 में तो इंडिया और यूएई के बीच में जो ज्वाइंट टास्क फोर्स बनी थी ये 2013 में बनी थी जिसकी ग्यारहवीं बैठक इलेवंथ नंबर की जो बैठक है वो अभी हमारे कल हुई जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे ज्वाइंट टास्क फोर्स का काम क्या है कि हम लोग एक साथ ट्रेड कर सके इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक रिलेशन कैसे मजबूत कर सके इसको लेकर के यूए के साथ ये टास्क फोर्स बनाई गई लेकिन हमने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया जब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया तो यूए के साथ ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये हमने कब साइन किया मई 2022 में मई 2022 में इंडिया और यूएई के बीच में ये कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ट्रेडिंग को और हमारे बड़े लेवल पर लेकर के जाना दोनों देश के जो व्यापार है दोनों देश का जो हमारा सहयोग है उसको और बड़े लेवल पर लेकर के जाना और ये अगर आप देखेंगे तो ऑयल वाले ट्रेड को छोड़ दो नोएल ऑयल ट्रेड भारत और यूएई के बीच में पिछले 12 महीने में 50 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है जो अपने आप में वापस से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है तो यूएई और भारत का जो रिलेशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है जो कि दो देशों के लिए बहुत खतरे की घंटी एक चाइना और एक जो है हमारा कौन सा पाकिस्तान तो को अपना है से बढ़ती चली जा रही है बाईस में जो बनाई गई थी पाकिस्तान के लिए लगातार खतरे की घंटी है अब रुपए कार्ड को भी इन्होंने अपने अलाउ कर दिया है तो काफी बड़े जो है वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इंडिया और यूएई के रिलेशन में चलिए आगे चलते तो यहां पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमपी के द्वारा दी गई 35 परसेंट रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स को लेकर के महिलाओं को 35 परसेंट रिजर्वेशन दे रही है मध्य प्रदेश सरकार ये यह यहां पर आपको दिख रहा है गवर्नमेंट नौकरीज में यहां पे दूसरा फिफ्टी परसेंट हमारे पंचायत और अर्बन बॉडीज में रिजर्वेशन देने वाला एमपी पहला स्टेट था दो स्टेटमेंट है अब इन दोनों स्टेटमेंट को करते देखते नर्मदा क्या इसका सही जवाब होता है तो दिनेश यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब जितने भी एमपी गवर्नमेंट होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ करके याद रखना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ करके उसमें सभी जगह पर अगर सौ जॉब है तो थर्टी फाइव थर्टी फाइव परसेंट जो मतलब थर्टी फाइव जॉब जो होगी वो महिलाओं को मिलेंगी है ना और बाकी की जो हमारी 65 जॉब मिल रही है है ना 100 में से 65 उसमें महिला भी होंगे पुरुष भी होंगे लेकिन 35 तो महिला कम से कम होंगी होंगी तो ये यहां पे डिसीजन लिया गया अब एमपी में चुनाव आने वाले हैं और एमपी में हमारे आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बड़ा जो नंबर है वो महिलाओं का है और महिलाओं को रुझाने में एमपी सरकार लगी हुई है ठीक है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस रूल्स ना नाइन 1997 में अमेंड किया गया और ये 35 परसेंट रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया गया है रिसेंटली अगर हम लोग देखेंगे हमारे 35 परसेंट पर एक वैकेंसी निकाली थी पुलिस की जिसमें हमारे और अदर गवर्नमेंट जॉब की उसमें 35 परसेंट सीटें ऑलरेडी आरक्षित करके निकाली गई है महिलाओं के लिए ठीक है मध्य प्रदेश सरकार यही नहीं मध्य प्रदेश हमारा पहला ऐसा जो पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने 50 प्रतिशत रिजर्वेशन महिलाओं को दिया था पंचायत और अर्बन बॉडीज में तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है महिलाओं की संख्या अगर हम बात करते हैं तो पांच लाख साठ पांच करोड़ साठ लाख वोटर है मध्य प्रदेश में जिसमें महिला वोटर्स की संख्या दो करोड़ बहत्तर लाख है मतलब सिंपल सा फंडा है महिला वोटर्स को एक तो सुविधाएं तो देना है ही लेकिन साथ ही साथ उनके वोट बैंक के ऊपर भी गवर्नमेंट की नजर है आप देख पा रहे होंगे ये हमारे सारे पेपर का ही आपका जो न्यूज पेपर होता है ना उसका समरी है तो जो भी न्यूज पेपर में आ रहा है, आपके यूपी पीसी महाराष्ट्र पीसीएस या बिहार पीसीएस एस के एग्जाम में वो स्टेटमेंट बन सकता है हाँ बिहार पीसीएस भी बोल रहा हूं चलिए तो यहां पे अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री साहब अभी हमारे महिलाओं के ऊपर बहुत मेहरबान है यहाँ पे देखेंगे अभी इन्होंने हाल में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी आप सभी ने देखा था लाडली बहना योजना जिसमें उन्होंने पहले एक हजार रुपए ट्रांसफर किए लेकिन उन्होंने बोला कि हम धीरे धीरे इसको बढ़ा करके तीन हजार रुपए कर देंगे नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तीन हजार रुपए कर देंगे तो धीरे धीरे मतलब एक हजार से अभी बढ़ाकर कितना कर दिया है। अभी बारह सितंबर महीने से जितनी भी हमारे 21 से लेकर के हमारा अब 60 साल की महिलाओं का भी जो क्राइटेरिया था वो भी खत्म किया 21 साल से जितनी भी हमारी महिलाएं हैं बच्चियां हैं उन सभी को नवविवाहितों को भी और जो विवाह जिनका नहीं हुआ उनको भी उनको ये सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे शिवराज सिंह चौहान पहले एक हजार था बारह सो पचास कर दिया गया अब अगले चरण में पंद्रह सो तो यह बढ़ाने क्या उन्होंने बोला और धीरे धीरे हम तीन हजार कर देंगे याद रखिएगा ये फायदा किनको मिलेगा ये फायदा उनको मिलेगा जिनकी फैमिली इनकम दो ढाई लाख से कम है ढाई लाख से कम फैमिली इनकम है उन्हीं महिलाओं को यह फायदा मिलेगा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर उनके पास पांच एकड़ से कम ये तो है ये तो है ही फैमिली इनकम और पांच एकड़ से कम जो है वो उनकी एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए ये दो क्राइटेरिया है लाडली बहना योजना में हमारे सम्मिलित होने के लिए एज यहां पर जो पहले साठ साल थी उसको बढ़ा दिया गया क्योंकि देखिए साठ साल वाली जो हमारी माताएं होती थी उनको वृद्धा पेंशन योजना मिलती थी छह सौ रुपए वृद्धा पेंशन योजना और इसी वृद्धा पेंशन योजना में साढ़े छे सौ रुपए अब उनको लाडली बहना का मिलेगा तो उनको भी बारह सौ पचास का लाभ अब यहां पर मिलेगा तो ये लाडली बहना स्कीम है कितना कर दिया गया है बारह पचास कर दिया गया है और यहां पे ये भी बोला गया कि धीरे धीरे इसको हम तीन हजार कर देंगे तीन हजार जो है वो धीरे धीरे बढ़ा कर देंगे तो एक हजार से शुरू होकर के अब ये हमारे बारह पचास पे आ चुकी है चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हम यहां पे देखेंगे दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही है चलिए हाँ, हाल में ही खबरों में रहा हाई एल्टीट्यूड क्लाउड फिजिक्स लेबोरेटरी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है ये हमारे केंद्र मुख्य रूप से मानसूनी बारिश संबंधित बादलों की गतिविधियों का अध्ययन करता है केवल एक स्टेटमेंट सही है दो सही है दोनों में से दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है ये स्टेटमेंट है भाई तो अगर हम यहां पर देखेंगे हाई एल्टीट्यूड क्लाउड फिजिक्स लेबोरेटरी ये अभी चर्चा में है और यह हमारे इसलिए चर्चा में है क्योंकि यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर है ना साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री किसके पास है जितेंद्र सिंह के पास तो ये हमारे यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर जिनका नाम है किरण रिजिजू जी ये अभी हाई एल्टीट्यूड क्लाउड फिजिक्स लेबोरेटरी का दौरा किए जो कि सतारा महाराष्ट्र में स्थित है सतारा महाराष्ट्र में स्थित है ये देखिए आप यहाँ पे टीवाई का देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जहां पर यह बताया जाए कि ये हमारे दो दो रिसर्च लैब बनी हुई है जिसका मुख्य का, काम क्या है ये हमारे मानसून के जो बादल है कि हम उनको समझ पाए हम उनको क्या कर पाए हम उनको समझ पाए कि कौन सा क्लाउड बस्ट होने वाला है कौन सा क्लाउड से कितनी बारिश होगी और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग कर पाए तो मानसूनी जो बादल है उनको समझने के लिए ये हमारी लैब को बनाया गया है ये हमारे किसके अंतर्गत काम करेगी तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में है उसके अंतर्गत यह हमारी जो लैब है हाई एल्टीट्यूड इस लैब का नाम क्या है हाई एल्टीट्यूड क्लाउड फिजिक्स लैब कहां पे सतारा में जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है याद रखिएगा ये हमारे किसके अंतर्गत आएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपोलॉजिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में आपको दिखाई देगा सतारा के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं सतारा हमारे पूरे इंडिया का पहला ऐसा स्टेट था जिसको डलहौजी ने आपने पढ़ाई होगा डलहौजी ने अपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अधिग्रहित किया था तो सबसे पहला स्टेट था यही सतारा आपको अगर शायद नहीं पता है तो जान लीजिएगा कि राज्यपकरण नीति के तहत जिस राज्य को सबसे पहले उसने अधिग्रहित किया था वो था सतारा महाराष्ट्र का चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे पचासवा भारत अंतरराष्ट्रीय निट मेला 12 से 14 अक्टूबर के बीच में कहां पर आयोजित किया जा रहा है केरल तमिलनाडु या उड़ीसा निट मेला जो है है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? जल्दी से बता दे भाई निट मेला भाई निट मेला क्या है और ये कहां पर आयोजित हो रहा है तो देखते भाई हमारे यहां पर अगर निट मेला की अगर बात करते हैं तो निट मेला जिसको हम यहां पर इंडियन निट फेयर बोलते हैं ये हमारे त्रिपुर जो कि हमारे कहां पर तमिलनाडु में 12 से 14 अक्टूबर के बीच में ये आपको दिखाई देगा तो 12 से 14 अक्टूबर के बीच में ये नेट फ्लेयर आपका आयोजित हो रहा है और ये हमारे देखिए न्यूज में आप देख पा रहे होंगे द हिंदू की न्यूज है अब ये मेले का मुख्य अट्रैक्शन क्या है तो यहां पर जो हमारे मुख्य विषय है सबसे पहले हमारे फेयर एंड एक्टिव स्पोर्ट्स वियर जो हमारे स्पोर्ट्स वीयर है ना खेल का जो इक्विपमेंट होता है इन्वायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन ये मुख्य थीम है क्या है एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वियर है ना इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस है एनवायरमेंट के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा लीडिंग बायर जो इसमें आने वाले खरीदार हैं वो कहां से आएंगे वो इंडिया के नहीं होंगे वो यूरोप से होंगे अमेरिका यूके और अदर हमारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको यहां पर बुलाया गया है और जो हमने यहां पर बनाया है इंडिया में जो भी डिजिटलाइज हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो भी हमने एआई टेक्नोलॉजी बनाई है जो भी हमने स्पोर्ट्स वेयर बनाए उन सबको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इन सबके सामने हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है यहाँ पे आपके सामने है ये स्टेट और ये है फाउंडेशन ईयर है ना ये आप सभी को जवाब देना है फाउंडेशन ईयर मतलब इनको जो हमारे फॉर्म हुआ था महाराष्ट्र एंड गुजरात 1966 नागालैंड 1972 हरियाणा मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972 सिक्किम मे, टू 1975 मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987 छत्तीसगढ़ झारखंड 2000 अब आपको बताना इनमें से हमारे कौन से करेक्ट है पिक द करेक्ट वन जल्दी से आपको पिक करना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है जल्दी फटाफट आना चाहिए जवाब जो भी लग रहा है भाई यहां पे कोई मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको गलत जवाब दे दिया क्यों दिया तुम पढ़ते नहीं हो ये नहीं आपको पहले पिक करना है ये क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं तो करेक्ट कौन कौन सा ये पिक करना है आपको टेक योर टाइप चलिए तो जल्दी से करेक्ट वाला जो है वो आपको पिक करना है जिसको जो आ रहा है करेक्ट वन ए बी सी डी वहां लिखा हुआ है ना आपको ऑप्शन वहां पे पिक करना बी सी डी ई एफ जी सर जी इज करेक्ट मतलब हो सकता है एक से ज्यादा भी करेक्ट हो मैं यहां पर बोल रहा हूं ना एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं लास्ट वाला सर सही है बाकी का चलिए तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं पहले महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये हमारे बॉम्बे आइलैंड के नाम से जाने जाते थे ठीक है बॉम्बे आइलैंड के नाम से जानते थे और इनको एक मई के दिन 1960 में बाइफरगेट कर दिया गया और नाम रख दिया गया मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात तो यहां पर 1966 लिखा हुआ है जबकि यहां पर होना चाहिए 1960 तो ये दो गया गलत नागालैंड का जो फॉर्मेशन ईयर है ये हमने आपको बताया हुआ था कली परसों की क्लास में ये 1963 में हमारे इसका गठन हुआ था हरियाणा हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ था तो हरियाणा पंजाब से मैंने कल आपको बताया एक नवंबर 1966 को ये हमारा अलग हुआ था तो यहां पे होना चाहिए 60 मैंने लिख दिया है यहां पे 66 यहां पे लिख दिया 60 तो ये भी हो गया गलत ठीक है अब उसके से देखते मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय तो मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों का फाउंडेशन ईयर ये पहले यूनियन टेरिटरी थे केंद्र प्रदेश थे लेकिन इन तीनों का 1972 है ये देखो मैंने यहां पर टिक कर दिया सिक्किम का हमने बहुत बार देखा है छत्तीसवें संविधान संशोधन के तहत ये भी बिल्कुल सही है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा बिल्कुल सही है 1987 में इनको भी हमारे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था है ना पूर्ण राज्य यूनियन टेरिटरी से पूर्ण राज्य बने थे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड ये हमारे कब बने तो ये बने थे हमारे ये देखिए यहां पर 2000 में तो यहां पे सही कौन कौन सा भाई तो यहां पर डी सही लग रहा है मेरे को देन उसके हाथ से ई e सही लग रहा है देन उसके से एफ सही लग रहा है और जी सही लग रहा है भाई ऊपर के सारे 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 गलत है ऊपर के सारे गलत है क्लियर हो गई बात भाई याद रखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर मत बोलना कि सर क्वेश्चन आ रहे हैं और ये देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है महाराष्ट्र गुजरात 60 नागालैंड 63 हरियाणा 66 मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972 सिक्किम 1975 मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987 छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000 अरे बात चमक रही है ही नहीं चमक रही है बोलो भाई बात चमक रही है बहुत कम लोग जो है वो जवाब देते याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पैसिफिक एशिया एसोसिएशन जिसको पाटा बोल रहे हैं इसका ट्रेवल मार्ट 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश इन 1955 1955 में इसकी स्थापना हुई थी तो सर ये कैसे बता दे पढ़ाएंगे तभी तो बताएंगे तो चलिए पहले पढ़ते हैं फिर पूछते हैं आपसे सबसे पहले बिल्कुल सही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हमारे पी ए टी ए ट्रेवल मार्ट जिसको हम लोग पैसिफिक एशिया ट्रेवल एस, एसोसिएशन बोल रहे हैं उसका जो ट्रेवल मार्ट है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया बहुत बढ़िया तरीके से चार से छह अक्टूबर तक ये हमारा कल इसका समापन हो गया ये जो हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया ये एडिशन था सिक्स एडिशन था पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का ट्रेवल मार्ट का जो 2023 में आयोजित किया गया ये हमारे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम सेंटर जिसको आप लोग पर प्रगति मैदान में देख पाएंगे वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी ये हमारे हर तीन साल के गैप में होता है एक एक स्टेटमेंट ध्यान से देखना क्वेश्चन बनता है ये स्टेटमेंट आपको एक एक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं कि भाई ये, दिल्ली में हुआ खत्म काम ये हर तीन साल के अंतर में आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू पेंडेमिक हमारे आफ्टर तीन साल के गैप में यह तीन साल के अंतर पे नहीं होता यह तीन साल के अंतर के बाद हो रहा है वैसे पहले हर साल होता था लेकिन अभी ये तीन साल के अंतर के बाद हो रहा है क्यों ड्यू टू पेंडेमिक पेंडेमिक की वजह से ठीक है तो एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना है अब बात करते हैं हमारे एशिया पैसिफिक ट्रेवल एसोसिएशन जिसको पाटा के नाम से जानते हैं सबसे पहले इसकी स्थापना 1951 में की गई थी इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंकॉक में है इसका कहां पे बैंकॉक में कब बनाया गया था 1951 में इसका मुख्य उद्देश्य तो जो, जो कंट्रीज है उन कंट्रीज में जो भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको प्रमोट करना इसीलिए हर साल अलग अलग कंट्रीज को मौका मिलता है तीन सालों में किसी को नहीं मिला था उसका रीजन है पेंडेमिक कोविड आई थी जिसकी वजह से यह कहीं पर भी नहीं आयोजित हुआ अगर आप यहां पर देखेंगे हमारा जो एशिया पैसिफिक रीजन है एशियन कंट्रीज प्लस पैसिफिक वो कुछ आपका इस तरीके से दिखाई देता है अब यहाँ पे हमारे अलग अलग बनते हैं जैसे कि आपने देखा पाटा है ना इसी तरीके से हमारा एक होता है जिसमें हमारे इंडिया भी इसका पार्टिसिपेट है लेकिन एक और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक्स जिसको बोलते हैं इंडिया इसका पार्टिसिपेशन नहीं करता है इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन में नहीं आता है तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या इंडिया इसका सदस्य है? नहीं है याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में देखने को मिलेगा तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हमारे जो एशिया पैसिफिक ट्रेवल जो एसोसिएशन है उसका सदस्य है इंडिया लेकिन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का इंडिया सदस्य नहीं है ये सिंगापुर में जबकि हमारे बैंकॉक है है। जो, जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो यहाँ पे जो सही जवाब है आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है यह फोर्टी सिक्स नंबर ही था ना और ये दिल्ली में हुआ और इसका स्थापना जो पाटा है इसकी स्थापना 1951 में हुई हेडक्वार्टर क्वार्टर बैंकॉक में है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लेके आओ जल्दी से हां नेक्स्ट क्वेश्चन एक अवार्ड है सीएस तमिल राइटर अंबाई है ना ये हमारे कौन है सीएस लक्ष्मी होना चाहिए सीएस लक्ष्मी वहां पे मिसिंग है तो सीएस लक्ष्मी जो कि एक हमारे तमिल लेखिका है

इनको हम लोग प्रेमचंद्र जी बोलते थे तो अंबाई इनका हमारा क्या है पेन नेम है और इनका नाम है सी एस लक्ष्मी तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है बिल्कुल तो याद रखिएगा सी एस लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका अम्बाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइव में हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइस से सम्मानित किया गया है ये लिटरेचर के क्षेत्र में जो अपना बढ़िया कंटिन्यूसली और बहुत बढ़िया तरीके से लिखते हैं उनको ये टाटा लाइव में जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है ये अभी तक कई सारे लेखकों को मिल चुका है अनिता देसाई मार्क टूली अमिताभ घोष रस्किन बॉन्ड ग्रीस करनाड ये सभी हमारे इस अवार्ड को जीत चुके अंबाई नाम से फेमस जो सी एस लक्ष्मी जी हैं, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं, जो कि 2021 में इन्होंने एक तमिल इनकी राइटिंग थी बुक थी जिसमें कई सारी स्टोरीज थी ए रेड नेग्ड नेग्ड ग्रीन बर्ड ये हमारे अगर आप तमिल नाम देखेंगे तो शिवपू ये हमारे तमिल नाम है है ना तो इस बुक के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था दो में अब ये वापस से हमारा रिवाइव हो गया ये क्वेश्चन बोलोगे सर क्यों रिवाइव हो गया 2021 का क्वेश्चन इसलिए रिवाइव हो गया क्योंकि ये फिर से चर्चा में है सी एस लक्ष्मी जी जो हमारी अंबाई लेखिका के नाम से जानी जाती हैं ये ये रिवाइव हो गया क्योंकि ये हमारे अभी टाटा लाइव लिटरेचर अवार्ड को जीती हैं तो इनके ऊपर जितनी भी चीजें सब रिवाइव हो जाएंगी पुराने पिछली जितनी तो ये अभी इनके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड इंपॉर्टेंट है इक्कीस का आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा याद रखिएगा ये अवार्ड हमारे किस फेस्टिवल में दिया गया था तो टाटा लिटरेचर लाइव ये फेस्टिवल कहां पर हुआ तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था कहां पर मुंबई में आयोजित किया गया था बहुत बढ़िया तरीके से और यहां पर इनको सी एस लक्ष्मी जी जिनका लेखिका राइटर के तौर पर अंबाई के नाम से हम इनको जानते हैं चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उत्तर कोयल नदी जलाशय परियोजना एक इंटर स्टेट हमारे इरिगेशन है जिसपे कौन से दो राज्यों का कमांड है <coughs> कौन से दो राज्यों का कमांड है बिहार झारखंड बिहार यूपी है बिहार वेस्ट बंगाल है झारखंड और छत्तीसगढ़ है तो भैया उत्तर कोयल हमारा जो रिजर्व वायर परियोजना है उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई इस पर कौन से दो राज्यों का कमांड है तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो उत्तर कोयल जराशय को पूरा करने के लिए हमारे आर्थिक मामलों के जो कैबिनेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने अप्रूवल दे दिया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे बिहार और झारखंड में सिंचाई के जो सिंचाई का जो क्षेत्र है उसको अपनी सुविधाएं देना हमारे इससे जो है इस परियोजना से इस रिजर्व से हमारे कितने लगभग बयालीस हजार तीन सौ एक का जो क्षेत्र है जो कि चार ऐसे सूखे क्षेत्र है जहां पर बारिश कम होती है जहां पर अगर देखा जाए तो पानी की सुविधाएं कम है वो लाभान्वित होंगे तो याद रखिएगा चार ऐसे हमारे क्षेत्र है बिहार और झारखंड के जहां पर ये अपनी सुविधाएं देगा और जिससे ये आपको मैं मैप में भी दिखा देता हूं ये वाला जो क्षेत्र है आप देख पा रहे होंगे ये हमारी ये उत्तर कोल नदी है कहाँ से निकल रही है छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है और फिर जाकर के ये सोन नदी में मिल जाती है तो मतलब ये सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है समझ रहे कि नहीं तो ये सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है तो ये झारखंड में आपको ये जो दिख रहा है ना ये आपको पिंक कलर का हल्का सा ये हमारा झारखंड है और ये झारखंड से निकलती हुई ये इस तरीके से जा रही है अब ये हमारा एक रिजर्व वायर के ऊपर बनाया जाएगा जिससे कि हमारे जो क्षेत्र है इसको सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा लेकिन याद रखिएगा किसी चीज का अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी है तो ये क्षेत्र में ये उत्तर कोल नदी से जो काफी ज्यादा कम बारिश होती है वहां पे इरिगेशन की सुविधा तो मिल जाएगी देख पा रहे होगे आप ये जो क्षेत्र है आपका लेकिन महमूदगंज जैसे आपको यहां पर दिख रहा है ना महमूदगंज हो गया यहां पे कुटकू हो गया इनको सुविधा तो मिल जाएगी बहुत कम बारिश होती है लेकिन इसका नुकसान ये है कि यहां पर जब पानी भरेगा इसमें रिजर्व वायर में पानी भरेगा तो दो नेशनल पार्क में पानी भरने की वजह से ओवर हमारा पानी भरने की वजह से डूबने की आशंका है बेतला नेशनल पार्क जो आपको झारखंड में और पलामू टाइगर रिजर्व ये दोनों में यहां पर पानी जमा पानी से जो है बांध जमने से पानी जमने से अचानक बारिश अगर ज्यादा हो गई तो यहां पे पूरा पानी भर जाएगा तो याद रखिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना हालांकि कई मान्यों में यहां पे किसानों को सुविधाएं हो जाएंगी लेकिन ये हमारे रिजर्व वायर में अगर अचानक से पानी ज्यादा आ गया तो ये जो क्षेत्र है बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी तो ये भी आपको याद रखना है काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ कोल नदी ये हमारे किसकी सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है याद रखिए इसका ओरिजिन कहां से होता है तो चूल्हा पानी ये छोटा नागपुर पठार झारखंड में देखने को मिलेगा इसकी छोटी छोटी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि औरंगा अमानत और बुरहा नदी ये इसकी हमारी सहायक नदियां हैं और ये फाइनली औरंगाबाद के पास में जाकर के सोन नदी में मिल जाती है उत्तर कोल के बाद हमने काफी का बातें कर ली अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है है ना अंतिम क्वेश्चन आपको यह बताना है हाल में केंद्र सरकार ने स्थल को वापस से रिनोवेट करना वो यहाँ पर टूरिज्म फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए 7.30 करोड़ रुपए हमारे इन्वेस्ट किए हैं ये किस राज्य में आपको देखने को मिलेगी 7.30 करोड़ रुपए असम पंजाब आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर जल्दी से बोलेंगे भाई तो सर यहाँ पे जो सही जवाब है मेरे को भी लग रहा है कि इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो है हमारा नाम देख के यार नहीं लग रहा था वजा कोंडा असम में नहीं हो सकता है पंजाब में तो बिल्कुल नहीं होगा जम्मू कश्मीर में ये होगा आंध्र प्रदेश हाँ अगर तेलंगाना कर्नाटक होता तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता तो हमें नहीं पता था फिर भी हम इसको करना चाहिए इस क्वेश्चन को मुझे ऐसा लगता है तो वजना कोंडा जो स्थल है ये हमारे भू निर्माण पर्यटक की सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार ने सेवन पॉइंट थ्री जीरो करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा क्या है यहाँ पे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमारे बौद्धिज्म से संबंधित क्षेत्र है बौद्धिस्ट से संबंधित क्षेत्र है यहाँ पर लोग आते हैं लेकिन देखिए उतना ज्यादा ये फैसिलिटेट नहीं किया गया है उतना ज्यादा यहाँ पर पैसा लग रहा है खर्च नहीं किया गया है जिससे कि इसको हम अट्रैक्शन पॉइंट बना सके तो टूरिस्ट के लिए अगर आपको इसको अट्रैक्ट करना है तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 7.30 करोड़ है जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है इसको बढ़िया तरीके से हमारे क्या किया जाएगा बढ़िया तरीके से इसको हमारे सही किया जाएगा अब इसके किसने इसका पता लगाया था जो इस स्थल की खुदाई 1906 में अलेक्जेंडर रिम ने की थी अलेक्जेंडर रिम के तत्वाधान में हुई थी इसको हम लोग बुद्धि कोंडा के नाम से जानते हैं बुद्धिस्ट हिल मतलब हमारे कोंडा का मतलब पहाड़ होता है जिनको नहीं मालूम है थोड़ी बहुत तेलुगु में मुझे ये पता है तो ये बुद्धिस्ट हिल के रूप में जाना जाता है इसको वोंजा कोंडा बोलते हैं मतलब भगवान बुद्ध की पहाड़ी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर भगवान बुद्ध के तीनों हमारे जो स्टेजेस हैं, जिसमें आप हीन यान देख पाएंगे जिसमें भगवान बुद्ध ने जिस तरीके से बौद्धिज्म को चलाया फिर महायान आया जिसको कनिष्क ने स्टार्ट किया था भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के और तीसरा वज्रयान आया जो मिडबिल इंडिया में मध्यकालीन भारत में जो वज्रयान की शुरुआत हुई थी तो ये तीनों स्टेजेस आपको यहां पर कुंडा हिल में देखने को मिलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई होप आप लोगों ने ना सिर्फ करंट अफेयर समे पढ़ा होगा कि भाई क्या क्या हुआ बल्कि उसके अराउंड जितनी भी चीजें थी हम कोशिश करते हैं भाई सुबह बहुत जल्दी उठने उठते हैं और जब ये माइक कभी कभी डिस्टर्ब करता है ना तो दिमाग खराब जाता है उसके लिए आज हम एक नया माइक लेके आएंगे जरूर है ना लेकिन आप लोग इस क्लास को जरूर अटेंड करिए कोई भी एग्जाम दे रहे हो कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको पूरा का पूरा जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सब कुछ हम देने की कोशिश करते हैं बट आपको ग्रैप करने के लिए सुबह सात बजे आना पड़ेगा रिकॉर्डेड जो लोग देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है जुड़ेंगे क्लास में लाइव देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा कोशिश करिए अपने आप को वहां पे अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं नहीं बोलता हूं लेकिन कोशिश करिए हमारे साथ जुड़ने की एक रेगुलरिटी बनने की कंसिस्टेंसी बनने की और क्लास को अटेंड करने की तो शुरुआत करेंगे आज के होमवर्क क्वेश्चन की कि भाई कौन कौन से हमारे होमवर्क के क्वेश्चन है ये रहे आपके होमवर्क क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि अभी इस क्लास में जितने भी लोग हैं होमवर्क तो एटलीस्ट बनाएंगे या आपके लिए ये सबसे पहला रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर उज्ज्वला में 200 से कितने रुपए का इंक्रीमेंट कर दिया है पर सिलेंडर में अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइस फॉर लिटरेचर किसको दिया गया है डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भारत ने किस देश के साथ टाइप किया है और नेक्स्ट है नॉर्थ कोल रिजर्व हमारा जो प्रोजेक्ट है ये हमारे कौन से दो स्टेट में पड़ रहा है ये थे आज के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे जिन्होंने आज क्लास पूरी किया होगा यहाँ पे जवाब नहीं देना है कमेंट बॉक्स में देना है जब ये वीडियो खत्म होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा अगर आपको हमारे क्लास की पीडीएफ या क्लासेस के लिंक चाहिए है ना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं मेरा नाम पंकज चौबे तो जीएस भाई पंकज चौबे ये हमारे इस वाले हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए और हमारे क्लासेस के लिंक और पीडीएफ को प्राप्त करिए अगर अभी तक आपने स्टेट टीचर्स की तैयारी करने की सोची है अभी तक तो सोची है तो उसको सोच को अपने सपने को सही आकार दीजिए लाइव क्लासेस तो मिलेगी आपको यहाँ पर मिलेगी हर एक क्लास के पिन पॉइंट नोट्स वन टू वन मेंटोर मिलेगा जो आपको ना केवल आपके एकेडमिक्स में मदद करेगा बल्कि आपके पर्सनली आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप भी यहां पर उनसे अपने समस्याओं सॉल्व करा सकते हैं है ना या उनसे सजेशन ले सकते हैं नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे मॉक टेस्ट जिसमें आपको मिलेगा लिखने के लिए मेंस में लिखने के लिए प्लस प्री में आपका क्या करने के लिए प्री में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखिए मेंस के लिए हमारी पूरी की पूरी एक टीम है जो आपके आंसर्स को इवेलुएट करेगी मेंस में आप जो भी लिखने के लिए जा रहे हैं आपको होमवर्क जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको एवेलुएट करने के लिए पूरी एक टीम है जो आपके आंसर्स को इवेलुएट करेगी मॉक टेस्ट मिलेगा साथ ही साथ आपके घर पर भेजी जाएंगी सात बुक्स इतनी सारी खूबियों वाला ये बैच है और यह सिर्फ दो दिन बचे हुए हमारे इस बैच के क्लोज होने में तो जल्दी से इनरोल हो जाइए नहीं तो यह इंतजार आपका और लंबा हो सकता है हमारे कूपन कोड पीसी लाइव से मेरा नाम पंकज चौबे तो आपने इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है पीसी लाइव और फटाफट आपको जुड़ जाना है क्योंकि यह कूपन कोड आपको दिलाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट सर्वाधिक डिस्काउंट आपको मिलने वाला है ना, है ना पीसी लाइव बिना स्पेस के कैपिटल में लिखना मेरा नाम पंकज चौबे तो पीसी लाइव तो फटाफट जाइए जुड़ जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नहीं तो आप अपने स्टडी आई क्यू के ऐप या वेब प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूं सर्च कर सकते हैं जीएस एस बाई पंकज चौबे जिससे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे ठीक है तो मिलते हैं आपके होमवर्क सभी के मैं देखता हूँ तो आपके होमवर्क सभी को बनाने